देख सकते हो दोस्तों नज़ारे यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत जगह। काफी मजा भी आ रहा है यहाँ ऊपर आने के बाद, हवा भी चल रही है बहुत ही ज्यादा। पानी प्यास ही बेहोश हो चुका है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं अपने दोस्त के पास मिलने जा रहा हूँ जो यहाँ से काफी दूर रहते हैं, 5 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मालिक का दुकान भी वहीं पर है, उसी गांव में। तो आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ, पैदल ही जाने वाला हूँ, और आप लोगों को यहाँ के नज़ारे भी दिखाने वाला हूँ, सड़कें, यहाँ की पहाड़ वहाड़ से लेके बहुत कुछ। चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं दरवाजे किस टाइप से लगाता हूँ, अंदर से लगा देता हूँ, फिर किसी का डर भी नहीं, वैसे भी यहाँ चोरी वोरी भी नहीं करते। दोस्तों जैसा कि मैं रूम से बाहर आ चुका हूँ, ये मेरा रूम जाने का रास्ता है और ये सड़क, और मैं इधर आगे जाने वाला हूँ। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं बोलते और ना ही अच्छे से समझते हैं, तो आज बात भी करेंगे उन लोगों से और आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा वो दुकान से हमेशा सामान लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार और मार्केट नहीं लगता। आते हैं दुकान में, चाय वाय पीते हैं, फिर जाते हैं। चाची चाय, राइस बाद में। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ चची करके बुलाया जाता है, आंटी नहीं, तब जाके चाय दिए जाते हैं। चाय पीते हैं फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों चाय पी के तो हो चुका है मेरा, और आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वो वाला लास्ट वाला, हाँ वहीं पे जाऊँगा उसके नीचे। दोस्तों दुकान के बाद नीचे मैं फाइनली गांव में पहुँच चुका हूँ, इसे गांव भी बोल सकते हैं और नहीं भी। और यहाँ मंदिर भी है पीछे में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मंदिर है भगवान का, बाकी सब चर्च है। दोस्तों फाइनली 2.5 किलोमीटर दूर आने के बाद मैं पहुंच चुका हूं यहां की सिटी छोटी सी। दोस्तों फाइनली मैं सिटी से बाहर आ चुका हूं, और यहां से अभी 2.5 किलोमीटर दूर और जाना है मुझे। दोस्तों सिटी के बाद मुझे गांव मिलता है, इसका नाम है कलमबम, और यहाँ पे कार्तिका का मंदिर भी है, इस भगवान का भाई का मंदिर, इसी भगवान को यहाँ सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आप देख रहे हैं जंगल टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये जंगल नहीं है, ये पूरा लाइसी ही बाड़ी है पूरी तरफ, और शायद घर भी होंगे ऊपर में। यहाँ पे बोले जाए तो कहीं पर भी घर बना लेते हैं और सड़क भी बना लेते हैं। फाइनली पहुंचने वाला हूं वो गांव जहां मेरे दोस्त लोग रहते हैं, और दोस्तों फाइनली मैं उसी गांव में पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते होंगे ये चर्च, ये रहा चर्च चारों पहाड़, और ये मलयालम में कुछ लिखा हुआ है बस का। और दोस्तों फाइनली मैं जगह में पहुंच चुका हूं, आप लोग देख सकते होंगे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो वो वाली पहाड़ के नीचे तमिलनाडु है, उसके रूम वहां पर है, वो वाले पत्थर के जगह के नीचे। तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं, ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा आप लोगों को नज़ारे यहाँ के। ये मालिक की दुकान में, और दिखाता हूँ आप लोगों को ताड़ी, और ये देख सकते हो ताड़ी एकदम दूध की तरह ही दिखाई देता है। ये दिखाऊंगा अपने मालिक ताड़ी को और दुकान, और मेरे दोस्त आने वाले हैं फिर उनके साथ जाते हैं। लो आ ही गए हैं मेरे दोस्त, और ये तो होली भी मना चुके हैं, कल होली है लेकिन आज खेल चुके हैं ये। इनके रूम जाने के लिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ तक, लोगों को पहाड़ी जो दिखाई दे रहे होंगे पूरी तरफ
इलायची का ही पेड़ है, क्योंकि इलायची को लगाया जाता है। यहाँ लेवल है नहीं, तो लेवल है और वो यही जगह है, यहाँ पर ही धान का खेती करते हैं, यहीं पर। सूरज को भी देख सकते होंगे, ढलने वाली है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और कितना आगे जाएंगे रे? आगे और भी आगे जाना पड़ेगा हमें, और इससे भी और बड़ी बड़ी घाट है आगे, हालत ख़राब हो जाएगी। और ये सामने में बहुत बड़ा पत्थर है, आप ये पत्थर देख सकते होंगे आप, बहुत ही बड़ी है, काली पत्थर। सड़क भी देख सकते होंगे, अब यहाँ से हम लोग और जाने वाले हैं अंदर। दोस्तों फाइनली हम अब उनके रूम पहुंचने वाले हैं, आगे में है और भी बड़ी घाट, आप लोग देख सकते होंगे। और ऐसी जगह में यहाँ की गाड़ी चलती है, कमांडो गाड़ी, क्योंकि यहाँ की गाड़ी में डबल इंजन रहता है आगे पीछे, इसीलिए बहुत ताकत होती है। ये वाली घाट से तो चढ़ चुके हैं हम लोग, और आगे में एक और घाट है, वहाँ फिर जाना पड़ेगा, हालत पूरा ख़राब। और दोस्तों फाइनली उनका रूम पहुँच चुके हैं हम लोग, ये रहा इनका रूम, काफ़ी पुराना हो चुका है इनका रूम। इनका रूम देख सकते हो आप लोग, ये रहे दोस्त लोग, और ये रहा उनका किचन रूम, यहाँ पे खाना बनाते हैं ये लोग, शायद खाना बन चुका है इनका। अंडा गुंजी। और दोस्तों इनके रूम में तो अब अंधेरा होने वाला है, तो ऊपर हम सुबह ही जाएंगे बस। तो इनका ये रूम देख सकते हो, यहीं पे ये लोग सोते हैं। और दोस्तों हम लोग अब खाना खाने वाले हैं, तो मिलते हैं सुबह ही, फिर जाते हैं पहाड़ के ऊपर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम सो के उठे हैं, और आप लोग देख सकते होंगे दोस्तों लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और नज़ारे भी देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है पूरे पहाड़, और ये पूरे जंगल के जैसा। और अभी रेडी होते हैं और चलते हैं ऊपर के साइड, वो पहाड़ के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वहीं जाएंगे, तो रेडी होके चलते हैं फिर। और दोस्तों फाइनली रेडी हो चुके हैं और जाने वाले हैं आगे, बस आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बाड़ी से अंदर ऊपर की तरफ। और बाड़ी के बाद फाइनली मैं ये रहा पत्थर, और मेरा दोस्त चला गया है, वो आगे वो चला गया है मेरा दोस्त, अब मैं भी जाने वाला हूँ यहाँ से। आगे आने के बाद ये गुफा है, और हम आधा आने के बाद यहाँ पहुँचे हैं गुफा में। गुफा ऐसा लगता है जैसे नीचे ही आने वाली है, यहाँ से ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल भी है, देख सकते होंगे ऐसा भी कुछ पकड़ने का भी नहीं है, फिर भी हम उस साइड से जाएंगे, देखते हैं कितना मुश्किल है वहाँ से चढ़ना, अगर वहाँ से खस ले तो सीधा फिर नीचे जाएंगे। और वो देख रहे हो कैसे बंदर की तरह चढ़ रहे हैं वहां से, एकदम से सपोर्ट की जैसा चढ़ना मुश्किल था, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते होंगे अभी तो हम आधा ही चढ़े हैं, आगे वो वहां पे जाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने से। अब तो हमें पहाड़ के ऊपर मिल रहा है ये टैबलेट की तरह रहने वाला, जिससे खाना नहीं पचता वो खा सकते हैं इसे। और दोस्तों इतना दूर आने के बाद मेरे दोस्त लोग को देख सकते हैं आप लोग, जो वहाँ पर है, इतना दूरी दिखाई दे रहा है उन लोगों को।
मेरा रूम वहीं पर है। वहां से मैं इतना दूर पैदल आया था इस गांव में। तो गुफा देख सकते हो आगे में आने के बाद मिला है, देखते होंगे गुफा मिला है हमें आगे आने के बाद। ये पहला गुफा और ये दूसरा भी है। दोस्तों गुफा में बैठ चुका हूँ मैं, काफी अच्छी भी है गुफा, छोटी सी है लेकिन। और हम अब आगे और जाने वाले हैं ऊपर की साइड, पर वो एक लेवल तो पहुंच चुके हैं हम ऊपर, लेकिन और ऊपर और जाने वाले हैं। गुफा ये भी है, काफी अंधेरा भी है इसमें, नीचे है ये तो पता नहीं यहाँ पे गुफा क्यों है। यहाँ पर भी है, वहां पर भी है और उसके साइड में भी है। काफी मजा ही आ रहा है यहाँ आने के बाद। देख सकते हो दोस्तों नज़ारे यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत जगह। और दोस्तों ऊपर आने के बाद काफ़ी मज़ा भी आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हवा भी चल रही है बहुत ही ज़्यादा। इतना ऊपर आने के बाद नीचे साइड का पूरा लेवल बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। अब नीचे जाने वाले हैं, यहाँ से बस इतने ही जाने जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सांस लेना भी मुश्किल है यहाँ पे। तो अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वैसे भी सांस लेना थोड़ा मुश्किल भी है। देख सकते होंगे केरल की सबसे बड़ी पहाड़ वही है, तो आप लोग देख चुके होंगे यहाँ के पहाड़ को यहाँ से लेके वहाँ तक। और अब हम नीचे जाने वाले हैं और नीचे जाने के बाद होली खेलने वाले हैं। बट यहाँ केरल के लोग होली नहीं मनाते, फिर भी हिंदी वाले लोग होंगे काम करने वाले लोग, उनके साथ खेलेंगे। चलते हैं नीचे की तरफ। अब तो दोस्तों मेरा दोस्त एक बेहोश हो चुका है पानी प्यास वजह से, ये रहा बिना पानी प्यास ही बेहोश हो चुका है ये। अब इसे नीचे ही ले जाने वाले हैं हम लोग तरफ। तो दोस्तों फाइनली रूम पहुंच चुके हैं और जो बेहोश हुआ था वो ये है, ठीक भी हो चुके हैं, प्यास के वजह से बेहोश हो गया था, वैसे भी धूप था। और अब हम जाने वाले हैं यहाँ के गांव होली खेलने के लिए। और दोस्तों अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और दोस्तों इधर में ये भैंस जो होते हैं इनको केरल में पालते हैं, फिर इधर के लोग खाते हैं। वहीं भी देख सकते हो भैंस, और वो वहाँ पर भी है। और हम लोग गए थे वो पहाड़ के ऊपर, सबसे ऊपर लास्ट में। फाइनली गांव की तरफ पहुँच चुका हूँ और अब मैं मालिक के पास जाने वाला हूँ पैसा मंगाने के लिए, चिकन खाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली पैसा मांग के ला चुका हूँ मैं, बट मुझे कम ही पैसा दिए हैं, पैसा निकालूंगा और फिर से। और देख सकते होंगे आप यहाँ तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं है यहाँ पे, और ये दो लोग हल्ला कर रहे हैं देख सकते हैं। और पता नहीं क्या बोले हैं क्या नहीं, तो चलता हूँ पैसा निकालने के लिए मैं। तो पैसा निकालने वाला दुकान ये रहा। भाई पैसा, हाँ आधार कार्ड से निकालना। 1000, हाँ 1000 रुपये। 10 रुपये चेंज है, हाँ चेंज है। तो दोस्तों पैसा तो निकाल चुके हैं हम, देखते हैं यहाँ के माहौल। और दोस्तों यहाँ कुछ माहौल नहीं है होली वोली का, ना ही होली खेलते हैं और ना ही मनाते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।